हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको ग्रीन पैराडाइज का पूरा व्यू दिखाऊंगी। ये एंट्रेंस, यहाँ से एंटर होते हैं। काफ़ी बड़ी जगह है, पूरा रिजॉर्ट का आपको टूर कराऊंगी और उसके बाद में शादी एंजॉय करेंगे। ये देखिए, काफ़ी सारे पेड़ वगैरह लगाए हुए और बहुत सारे बंगलोज बनाए हुए हैं, ये देख सकते हो आप। अप्रॉक्स 300 के आसपास कुछ होंगे, बहुत सारे बंगलो। इसमें 3 BHK और 2 BHK दो तरह के बंगलोज हैं इसके यहाँ पर। और ये गार्डन भी बनाया हुआ है, आप इवेंट्स भी कर सकते हो यहाँ पे। और ये आगे काफ़ी बड़ी जगह है और ये सब बंगलोज है जहाँ पे हमने स्टे किया था। आपको वो भी पूरा टूर दिखाऊंगी, बंगलो कैसा है। ये वाला जो बंगलो तो ये हमने 2 BHK वाला, यहाँ पे बाहर गार्डन है, सब ट्रीज वगैरह लगाए हुए हैं काफ़ी सारे। और ये रूम है, एक रूम यहाँ पे है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है और ये किचन है। और ये वहाँ पे हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल था। ये हॉल के अंदर विंडो बनाई हुई है पीछे के गार्डन के लिए। रात का टाइम है, ये देखिए, एक साइड में रूम है, दूसरा डोर बाथरूम का है। और यहाँ सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़ेंगे, ये चढ़ेंगे तो एक साइड में रूम है और इस साइड में टेरेस है। ये आप देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखता है। और ये रूम है, ऊपर वाला जो रूम है, ये रूम है, इस काफ़ी बड़ा रूम है ये वाला। नीचे वाला थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है। और इसके अंदर ये बालकनी बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। बालकनी से काफ़ी सुंदर व्यू आता, चारों तरफ ग्रीनरी दिखती है, काफ़ी सुंदर लगता है। और यहाँ पर और कुछ कंस्ट्रक्शन का चल रहा है काम। और ये नीचे से गार्डन जो दिख रहा है और साइड में पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप कार वगैरह पार्क कर सकते हो। और ये कुछ ऐसा रूम है, उसमें ऊपर बड़ा मिरर सा लगाया हुआ है, ऊपर से रोशनी आती। और ये वॉशरूम है, इसके अंदर अटैच वॉशरूम है, नीचे वाले में बाहर ही है। और ये टेरेस का रास्ता है, ये आप देख सकते हो। मेन डोर खुलेंगे, ये खुलेंगे, काफ़ी बड़ी सारी टेरेस है, ये देख सकते हो आप। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। और सुबह सुबह तो इतने सारे बर्ड्स बोलते हैं, पिकॉक, कोयल, सब बोलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देख सकते हो आप, काफ़ी सारे बंगलों से ऊपर से दिखते हैं। ये 2 BHK वाला है, हम रह रहे हैं वहाँ। और यहाँ पे 3 BHK के भी हैं। और ये गार्डन है, देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया गार्डन भी है। ये आप बंगलो देख सकते हो और भी। और ये जो हम रह रहे थे, ये सेकेंड वाला जो दिख रहा है वो था। और ये नाइट का व्यू है, नाइट में कुछ ऐसा दिखता है, लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है, बाकी ज़्यादा इतना वो लाइट वगैरह नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है, उससे थोड़ी रोशनी होती है। बाकी ये सब क्योंकि आधे बंगलो बंद है तो ज़्यादा लाइट बाहर होती नहीं है। और ये सुबह सुबह, ये आप ट्रीज़ वगैरह भी देखो, काफ़ी सारे लगाए हुए। ये चीकू का पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के ट्री हैं। ये चीकू है, देख सकते हो आप, ये लगाए हुए आए हुए भी हैं चीकू, तो छोटे कच्चे चीकू है। ये भी चीकू ही है, आप देख सकते हो। और ये अमरूद का पेड़ है, गुआवा का, काफ़ी अच्छा है। और ये पपीते का पेड़ है, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, बच्चों के खेलने के लिए भी है। ये देखिए आप, बच्चों के खेलने के लिए राइड्स वगैरह भी हैं यहाँ के ऊपर। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, तो यहाँ शादी है तो इसलिए पूल पार्टी चल रही है वहाँ पे। तो ये देख सकते हो आप, राइड्स वगैरह हैं, बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पे। और ये पूल वगैरह, पूल पार्टी चल रही है। ये कॉमन स्विमिंग पूल है, ये बड़ा है, बाकी छोटे स्विमिंग पूल भी हैं कई बंगलोज के अंदर। ये वेडिंग डे के दिन सुबह का खाना था, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किए हुए, थाली वगैरह काफ़ी सुंदर थी और खाना भी काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था, रास्ता नहीं खाना था पूरा। अब इसके बाद में चलते हैं बारात के अंदर। Oh,
एंट्रेंस है, लड़की वाले सब खड़े वेलकम के लिए। ये स्टार्टिंग के अंदर ही पान है, काफ़ी तरह के पान थे यहाँ पे, वो लगाए हुए थे पान, और यहाँ पे पानी पूरी वगैरह फूड आइटम सब अच्छा था, देख सकते हो। ये सब फूड की स्टॉल्स है, अलग अलग काफ़ी तरह के आइटम्स थे, पास्ता पिज़्ज़ा डोसा वगैरह काफ़ी चीज़ थी, अलग अलग काफ़ी जगह। सभी अभी स्टार्ट होना बाकी है, सब काउंटर्स वगैरह काफ़ी सारे काउंटर्स थे, इंडियन मेन कोर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें थी। ये रनावत केटरर्स का था फूड पूरा, ये सब बॉम्बे का केटरर्स था, ये आप देख सकते हो बॉम्बे से आया था केटरर्स। पिज़्ज़ा वगैरह काफ़ी सब आइटम बहुत अच्छी थी, और सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सर्विस थे, रबड़ी वगैरह थी, जलेबी थी, एंड सब बहुत सारे आइटम। ये ग्रूम और ब्राइड की एंट्री, काफ़ी सुंदर एंट्री आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं दोनों से, और काफ़ी सुंदर एंट्री भी हुई थी इनकी। ग्रूम और ब्राइड दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं, और ये सेल्फी एरिया सब बनाया हुआ था, यहाँ पे फोटोज क्लिक करा सकते हो, और काफ़ी सुंदर स्टेज वगैरह काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी बड़ा भी लग रहा था, काफ़ी सुंदर भी था। और ये सब बरातियों के लिए चांदी की थाली में खाना सर्व हुआ था, वो भी काफ़ी सुंदर लग रही थी थालियाँ। और शादी कंप्लीट हो गई है, सेकेंड डे था सुबह, और ये आप मॉर्निंग में सुन सकते हो, काफ़ी अच्छा मतलब बादल आए हुए थे, काफ़ी सुंदर आवाज़ आ रही थी बर्ड्स की, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम शांति, आप इंजॉय कीजिए इसको। और काफ़ी सुंदर दिख भी रहा था ये सुबह, कुछ 5:30 बजे का टाइम था, और काफ़ी सुंदर लग भी रहा था नज़ारा, काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, और आप देख सकते हो एकदम शांति, कोई नहीं, एकदम जब शांति ऐसे लगती है यहाँ पे। आपको रिजॉर्ट कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप जाओ चाहो तो वहाँ जाके रह भी सकते हो, और आपको शादी कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।